राम राम भाई सारन है। ये है भाई मारुति का 2024 मॉडल सुपर कैरी सीएनजी जो कि BS6 सेकंड नोम्स में आया है। आज भाई बात करेंगे इसकी सीएनजी माइलेज की एंड इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसको मैं ड्राइव करूंगा, इसको अच्छा लंबा लेके जाने वाला हूं। तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिन जिन भाइयों ने ये बाइक लिया है उनके लिए ये खास वीडियो होने वाली है। तो क्या माइलेज देती है, कैसी क्या परफॉर्मेंस रहती है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और इसमें आपको दो सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड इसमें 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। सिलेंडर यहाँ से देखने को मिल रहे होंगे, ये सिलेंडर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। तो भाई कुछ 750 किलो तक वेट कैरी कर लेता है ये। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। एक आप ब्रेक में स्टार्ट हो जाती है, हैंड ब्रेक कुछ डाउन करती है। एंड चलिए भाई आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस मैं बैठ चुका हूँ मारुति के सुपर कैरी सीएनजी में जो कि 2024 न्यू फेसलिफ्ट है। एंड भाई इसकी परफॉर्मेंस एंड माइलेज क्या होती है आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। सो गाइस सीएनजी मैंने फिल करवा ली है एंड ट्रिप का कर लिया है 0। ये देखो भाई एंड सीएनजी फुल है। तो भाई इसकी क्या माइलेज निकल के आएगी, अराउंड मैं इसको 400 से 500 किलोमीटर आज ड्राइव करने वाला हूँ। सुपर कैरी को 400 से 500 किलोमीटर ड्राइव करूंगा। एंड इसकी परफॉर्मेंस तो भाई लाइक अभी तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। रही बात माइलेज की, तो माइलेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने ये 80 प्लस भगाई थी एंड आप लोगों को दिखाऊंगा हाईवे पे भी। जो कंपनी क्लेम करती है 80 की इसकी टॉप स्पीड है, लेकिन हम भाई इसको थोड़ी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे चला के दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हम है भाई सोनीपत के हैवी ड्राइवर। एंड भाई जो ये कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, लाइक ट्रक मिनी ट्रक्स एंड जैसे ये सुपर कैरी टाइप में होते हैं, जो इनको चलाना कोई भाई आम पब्लिक का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भाई गाड़ी है एंड गाड़ी की तरह पंजा दबाओ आप इसको, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी ना तो आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। इसको चलाने के भी भाई तरीके होते हैं, ब्रेकर पे से कैसे उतारा जाता है वो भी भाई एक नॉलेज होती है। अगर आप इसको भजा के कुदा दोगे ना ब्रेकर पे से तो कमानियाँ वगैरह टूट जाती है। तो भाई इसको चलाना भाई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई हैवी ड्राइवर क्यों बोल रहा हूँ अपने आप को बार बार, इसको चलाना सबके बस की बात नहीं होती। तो भाई अभी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, लाइक भाई न्यू गाड़ी है इस वजह से भी। और बाकी भाई आपका भाई बैठा ही हैवी ड्राइवर। ये गांव की सड़कें हैं एंड भाई यहाँ पे कुछ इस तरह की टिपिकल रोड होती है, आप लोगों को पता होगी जो जो गाँव से है। एंड भाई यहाँ पर इसकी जो भाई सस्पेंशन की स्मूथनेस निकल के आ रही है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल निकल के आ रही है। ये देखो भाई, भाई साहब मारुति क्लेम करती है जो भाई ये सुपर कैरी है ये 80 किलोमीटर टॉप स्पीड पे चल सकती है, लेकिन भाई हम ठहरे सोनीपत के हैवी ड्राइवर, 80 से ऊपर तो हम इसको भगा के ही रहेंगे भाई। जो काम कंपनी मना करने के लिए बोलती है वो हम करके रहते हैं भाई। ये देख लो 80 प्लस की स्पीड है और इसको रहा भाई 110 तक लो लेके जाने की कोशिश करूँगा। अपनी सेंचुरी पूरी हो चुकी है भाई, 100 किलोमीटर में इसको ड्राइव कर चुका हूँ। एंड भाई वेदर एक्सपेरिमेंट भी आप देख लो इस गाड़ी का कि भाई बारिश में गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। लाइक भाई बारिश में आप लोग ब्रेक वगैरह का परफॉर्मेंस देख पाते हो, बेसिकली थोड़ा सा भाई पहले ब्रेक लगाने पड़ते हैं। एंड भाई वेदर एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ हो गया है भाई। आज गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपना एंड बारिश आ रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, इसमें आता भी नहीं है भाई एसी। एंड भाई एसी की जरूरत है ये नहीं क्योंकि ये बेस मॉडल है। एंड भाई मज़ा आ रहा है भाई काफ़ी, ये देखो भाई वेदर कंडीशन। आप गाइस 207 किलोमीटर डन हो चुके हैं, सीएनजी का सिलेंडर ख़त्म हो चुका है एंड मुझे जहां जाना था मैं पहुंच चुका हूं। एंड अब रिटर्न यहां से जाएंगे तो 207 और 207 ये मान के चलो आप लोग 414 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी सुपर कैरी सीएनजी। एंड आप लोगों को बताना है, पार्ट वन में मैं यहीं तक बना रहा हूँ, पार्ट टू में बाकी की आपको डिटेल देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।